और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आज मैं आपको एक बड़ी गज़ब की चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये लीजिए, देखिए दोस्तों, मैं आपको भूनने की चीज़ें बताऊँगा। आप इस मौसम में क्या चीज़ भून के पीसेंगे और वो चिकनाओं में लाएंगे, कबूतर आपका इतना बढ़िया साफ हो के आएगा, कुछ पूछिए मत। चीज़ है दोस्तों, आपका कबूतर उठेगा, उठान का भी यही खेल, और प्लस कबूतर सीधा भी हो जाएगा इससे, ठीक है? सोंठ, ये है मिश्री, धागे वाली मिश्री लेना है आपको, ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, 20 ग्राम हो गई लगभग, आप 20 ग्राम पूरी कर लीजिएगा। मैं तो देखिए, ये कबूतर है जो भारी है, जो मेरा ही कबूतर है दोस्तों ये, ठीक है? और सबसे पहले आप सीने कुंदे इसके चेक करेंगे कैसे। देखिए तो ये टाइट खुलेगी, देखिए ये चीज़ टाइट खुलेगी, तो ये सीना कुंदा इसका साफ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कबूतर क्या होता है, ये जोर दिखाना पड़ रहा था, देखिए ये है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़, देख रहे हैं आप? ये देखिए कितने, यहाँ पे बिल्कुल मांस भी कम होगा, बिल्कुल एक्सरसाइज करा हुआ, फिटनेस में जैसे इंसान रहता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही माशाल्लाह से बड़ा खेल बताऊंगा, और वो खेल होगा किसके मुताबिक बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे पहले कहा था कि बहुत से लोग कमेंट करेंगे मुझे, जिस एक टॉपिक पे करेंगे तो वो 4-5 कमेंट मैं उठाऊंगा और वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि मेरे नए भाई बहुत से कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका कमेंट लगाऊंगा भी और पढ़ के ही बताऊंगा। टॉपिक ये है दोस्तों आज की वीडियो का कि उनके कबूतर झाड़ से उड़ गए, अब उनको इस मौसम में कैसे उनको उठान का पानी लगाना है या चिकनाव लगाना है। दोस्तों यकीन मानना, आज ये वीडियो इतनी टॉप की बना रहा हूँ मैं इंशाल्लाह कि इसमें मेरी बहुत मेहनत है, और सबसे मेहनत है मेरे हुनर की। दोस्तों आप हुनर देखिएगा इसमें क्या है, आपका कबूतर यकीन मानना चुटकियों में, मिनटों में, सेकंडों में ठीक होगा, और इतनी बढ़िया तरीके से ठीक होगा। आज मैं आपको भूनने की चीज़ें बताऊंगा, आप इस मौसम में क्या चीज़ भून के पीसेंगे और वो चिकनाओं में लाएंगे, कबूतर आपका इतना बढ़िया साफ होके आएगा, कुछ पूछिए मत, आपकी दिल से दुआ निकलेंगी, ठीक है दोस्तों? तो चलिए कुछ भाई का कमेंट ले लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बड़े बड़े प्यारे कमेंट कर रहे हैं लोग, और माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हैं दोस्तों लोग। तो दोस्तों सबसे पहला कमेंट लूँगा मैं, देख के बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से कमेंट हैं फूट गए, और दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मुझे, मैं देख रहा हूँ 4-5 दिनों से कि उस्ताद हमें उठान का कुछ बता दिए, अभी अभी हमारे कबूतर जो हैं झाड़ से बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, तो उठान का पानी चाहिए उन्हें, उठान का चिकनाव चाहिए, जो भी है मैं इस मौसम का दोस्तों बता दे रहा हूँ, आप नवंबर में लगा सकते हैं, ठीक है? पूरी नवंबर लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों पहले लेते हैं भाई कमेंट, भाई का है जी चौहान, इन्होंने भाई कमेंट करा है, मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी वीडियो का, कि आपकी वीडियो आए कबूतर चालू करने के लिए, और मैं अपना कबूतर तावों के लिए उठाऊं आपका खेल लगा के, और अपने कबूतर को सेट कर लूं अच्छे से, ठीक है भाई? और एक और कमेंट इन्हीं का है भाई का, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है भैया, मज़ा आ गया वीडियो देखकर, बस एक हमारा छोटा सा काम कर दीजिए, मुझे अपने कबूतर उठाने हैं और तावे देने हैं, इस मौसम का कोई खेल पानी बता दीजिए, कबूतर उठाने का और तावे देने का, चालू करने का कबूतर, ठीक है दोस्तों? बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। दूसरा कमेंट है दोस्तों ब्रिजमोहन भाई सुनार, ब्रिजमोहन सुनार करके है इनका कमेंट, यहाँ पर लगा दूंगा। इन्होंने कहा है कि भाई काशिफ आपने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी, जो आपने जुओं की दवा लगाई और उसका प्रैक्टिकल भी दिखाया, और ऐसे ही आप अगर हमें कबूतर जो भारी है इसके सीने कुंदे चेक करते हैं कि हल्के कैसे हैं और भारी कैसे हैं, अगर ये पकड़ के कबूतर बताते जैसे आपने जुएं दिखाई पकड़ के कबूतर के सब गायब हो गई, ऐसी तो हमें हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, ठीक है दोस्तों? आपके लिए आज हम ये भी दिखाएंगे, और इसी के मुताबिक वीडियो है, इसी टॉपिक पर वीडियो है, सीने कुंदे साफ कैसे करें और कबूतर को आप हल्का कैसे करें उड़ाने के लिए, जो उसको जो खुरी जो खाया पिया है उसका वो बर्बाद हो। दोस्तों यकीन मानना आज का खेल बहुत हैवी ब्लड गेम है, और दोस्तों बहुत हैवी गेम है आज का, बहुत हैवी खेल है, बहुत शानदार, बहुत बड़ा खेल है, यकीन मानना दोस्तों, जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा ना आप तभी समझ जाएंगे कि कौन सा खेल है ये, ठीक है? तीसरा कमेंट लेंगे दोस्तों मनोज शर्मा भाई हैं, इन्होंने कहा नमस्ते उस्ताद जी, मेरी टुकड़ी के कुछ कबूतर बाजू रोक रहे हैं। तो भाई देखिए, बाजू तभी रोकता है जब कबूतर भारी होता है, आप उसको ज़बरदस्ती उड़ाएंगे, खेल देंगे नहीं तो बाजू रोकेगा कबूतर, ठीक है भाई? तो आपका टॉपिक भी इसी में हो जाएगा आज की वीडियो में। और भाई आज के दो कमेंट टॉप मोस्ट कमेंट है, उनको स्क्रीन पे लगाऊंगा, और ये कमेंट मुझे दिल से बहुत अच्छे लगे, फिलहाल ये इस वीडियो के टॉपिक पे नहीं है लेकिन बहुत अच्छे कमेंट है, आप भी देखिएगा। पिजन ऑफ दिल्ली करके, पिजन ऑफ दिल्ली 55, ये भाई कह रहे हैं पहले बहुत परेशान था, जब से आपकी वीडियो देखी सारी बात का हल मिल गया, और लड़ैया का चिकनाव ढूंढ रहा था आपकी चैनल पर, आज आपने वीडियो ही बना दी, दिल से लव यू उस्ताद जी, जितने लफ्ज बोलूँ आपके लिए उतने कम हैं।
आप बहुत बारीकी से समझाते हो, अगर सब आप जैसे उस्ताद हो जाए कबूतरबाजी को बढ़ावा मिल जाएगा। बस आपसे गुजारिश है यूट्यूब चैनल बंद मत करना। अरे भाई मैं बंद नहीं करूँगा मेरे दोस्तों, आप मुझे कोऑपरेट करते रहो। और एक और कमेंट है जो लगाऊंगा कुणाल वालिया भाई का, ठीक है। इन्होंने कहा काशिफ भाई इज्जत कमाना हर एक बंदे की बस की बात नहीं, एंड हर एक बंदा काशिफ भाई जैसा नहीं। तो मेरे भाई काशिफ तुम्हारे जैसे बंदे की ही ज़रूरत है, ठीक है मेरे भाई। आपने मुझे इस काबिल समझा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद भाई दिल से आपका। चलिए भाई वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना अगर आज आपको खेल भाई का पसंद आए, और ये मेरे बहुत ही चहेते खेलों में से एक खेल है, और बड़ा सिंपल खेल है दोस्तों। आपका कबूतर, मैं कह रहा हूँ ना, आप अटरम शटरम गटरम बटरम सारे खेल इकट्ठे करके और लगा लें, बेकार है दोस्तों। मैं आपको इस महीने का ऐसा खेल बताऊंगा, और आप यकीन मानना दोस्तों, ये कुरीज में आपका कबूतर उठे, आप ये चिकनाओं में दें उसको बस, ठीक है। साथ में बता दूंगा पानी कौन सा देंगे, चाहे तो आप पानी दें चाहे तो स्किप कर दें, पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आप चिकनाओं में दें मसाला पीस के। मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या लेना है, आपको कितनी कितनी क्वांटिटी में, हर चीज़ एक बताऊँगा आज दोस्तों। और बिल्कुल आपको आज वेट स्केल पे स्केल करके बताऊँगा सबसे बड़ी बात, और आप वो चीज़ दें और आपका कबूतर देखिए चुटकियों में कैसे साफ होता है, और आपको उड़ के भी दिखाऊंगा। और दोस्तों आपका कबूतर उठेगा, उठान का भी यही खेल, और प्लस कबूतर सीधा भी हो जाएगा इससे, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। फ्रेंड्स मैंने जो एक वीडियो डाली है तूफानी खेल पानी की, जो सीरीज थर्ड है सुपर हिट खेल पानी की, सीरीज तीसरा खेल पानी है दोस्तों, उसको जाइए उस वीडियो को देखिए। वो दो खेल दोस्तों ऐसे हैं, एक चुटकी और एक पानी, यकीन मानना दोस्तों बहुत बड़े खेल हैं। मैंने वो सिर्फ डाल दिए, यकीन मानिए मेरा दिल से पूछिए वो कितने बड़े खेल हैं, ठीक है। और दोस्तों हाँ दूसरी बात, जब मौसम ठंडा हो सुबह में ही वो खेल लगाएं, और हवा चलती हो, हवा का खेल है दोस्तों, आप देखिए हवा को चीरता हुआ कबूतर चलाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और बताइएगा, मैं इस वीडियो में भी आपको रेत में भूनने वाला खेल बताऊंगा, और जो मैंने वो पानी बताया ज़बरदस्त पानी तूफानी करके जो वीडियो पड़ी है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा उसका आइकन, ठीक है। उसमें भी दोस्तों मैंने आपको रेत में भूनने वाला खेल बताया दोस्तों, यकीन मानिएगा इससे पहले यूट्यूब पे पूरे आप मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें किसी ने बताई हो कि रेत में भूनने वाला खेल, दोस्तों कोई नहीं बताता ये खेल, बहुत अहम है, तभी कह रहा हूँ उस वीडियो को जाइए लाइक करिए दिल से, और वो खेल लिख लीजिए अपने पास। फ्रेंड्स चलिए आपको खेल बताते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये सब चीज़ें दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये रखी है, और आपको ये सारा सामान लेना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कितना लेना है, वेट स्केल पे बताऊंगा। अभी इसको मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको एक ढक्कन रख लेना है दोस्तों, क्योंकि ना चीज़ें नापने में इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, अगर आप ढक्कन रख के ऑन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये माइनस हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप, जैसे कि मैंने ये अभी ऑन करा, ठीक है, ये अभी देखिए ज़ीरो है, अभी मैंने ये रखा तो ये 8 ग्राम का है लगभग, सही है, नियर अबाउट। तो अभी हम इसको ऑफ करेंगे, ठीक, और हम इसको ये हमने रखा और अब हमने ऑन कर दिया, तो देखिए आप इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ये माइनस कर देता है, समझ गए आप दोस्तों। तो आप ऐसे रख के इसको ऑन करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आज मैं आपको एक बड़ी गज़ब की चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये लीजिए देखिए दोस्तों। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा मेरे चैनल पे बहुत से हुनार लोग भी हैं, बड़े खिलाड़ी लोग भी हैं मेरे चैनल पे, जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, आप कमेंट करके बताइए ये क्या चीज़ है। दोस्तों एक बात बता दूं, बहुत कम लोग हैं जो इसका नाम जानते हैं, और नाम जानने से कुछ नहीं होता दोस्तों, इसका खेल जानते हैं, मेन है इसका खेल, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल नाम नहीं बता रहा हूँ, और दोस्तों इसके खेल बहुत गज़ब के हैं। एक मेरे भाई हैं, बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं, उन्होंने मुझसे इसका खेल भी पूछा था, ठीक है। तो ये कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, समझ लीजिए ये तूफ़ानी है चीज़ दोस्तों, ये छतों में घुसेड़ देती है कबूतर को, और कबूतर लंबाई बहुत कर्री करता है इससे, लेकिन दोस्तों इसका लगाने का तरीका है मेन, देख रहा ना दिमाग की तरह दिख रही है ये, बताइएगा दोस्तों, ठीक है क्या चीज़ है ये। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स चलिए अपने बड़े खेल को, बड़ी खेल की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं,
दोस्तों ये भी बहुत बड़ा खेल है और ये सुपर हिट खेल सीरीज 4 होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कैसे लगाना है, और फिर मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये कबूतर जो झाड़ से उठेगा उस पर आपको यूज़ करना है, ठीक है, कबूतर को साफ़ करने के लिए। यूँ तो दोस्तों यकीन मानना आप गुड़ से, काली मिर्च से, मुनक्के से, काली मिर्च से, इन सब चीज़ों से साफ हो सकता है कबूतर, लेकिन दोस्तों वही वाली बात है ना, तजुर्बा होना चाहिए। उस चीज़ से साफ़ नहीं होता है, खोखला होता है कबूतर। मैं आपको जड़ी बूटी से बताऊंगा जड़ी बूटी से कैसे साफ़ करते हैं। दोस्तों आप दुआएं देंगे मुझे, ये मैं ऐसा खेल शेयर कर रहा हूँ आज, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको रेत लेना है, रेत, रेता होती है ना, रेत में आपको भूनना है ये चीज़ें, ठीक है। क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ कितनी कितनी चीज़ें, क्या भुनेगी क्या नहीं भुनेगी, और इस सब का पाउडर बनेगा। पाउडर बनने के बाद आपको कितनी यूज़ करना है चिकनाओं के अंदर, ठीक है, कबूतर को साफ लगाने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे आपका कबूतर सीधा हो जाएगा, यकीन मानिए। सबसे बड़ी बात तो पर झाड़ के जो साफ करते हैं ना कबूतर को, साफ भी होगा, उठान का चिकनाव है ये, ठीक है, उठान का, जिससे कहते हैं उठान का चिकनाव, और कबूतर सीधा होकर चलने भी लगेगा, ठीक है। इतनी शानदार चीज़ है दोस्तों। दोस्तों ये आम बाल्टी मैं आपको बता दूँ कौन सी है, मैंने आपको दिखाने के लिए रख रखी है। ये आम बाल्टी दोस्तों वही है जो मैंने बनवाई थी दौड़ की, आम बाल्टी सर्दियों की, और दोस्तों मैंने इसको बीच से तोड़ दी है। तोड़ी इसलिए दोस्तों आपको मैं बता दूँ, शेयर कर दूँ कि देखिए आपको बीच से तोड़ के ये चेक करना है, इसमें फफूंद तो नहीं आई है। देखिए दोस्तों बिल्कुल शानदार आम बाल्टी है, ठीक है, कोई फफूंद वफूंद नहीं आई है, क्योंकि मैंने इसको धूप लगा ली थी, आपको भी साथ में शेयर करी थी कि धूप लगाना है आपको 7 से 8 दिन तक, ठीक है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, ये वही हल्दी है। अब इसको मैं एयर टाइट डिब्बे में इसमें रख देता हूँ काली मिर्चों के साथ। मतलब मकसद ये नहीं किसी किसी भी चीज़ के साथ आप रख दिए, खाली रख दीजिए, लेकिन ये मैं इसमें रख देता हूँ, जगह है तो मेरे पास इसमें, ठीक है, और एयर टाइट डब्बे में रख के मैं इसे पैक कर देता हूँ। और इंशाल्लाह दोस्तों दिसंबर और जनवरी में आपको दिखाऊंगा इसका करतब क्या करती है, कमाल ये, ठीक है। चलिए सबसे पहले नुस्खे को स्टार्ट करते हैं, आपको क्या क्या लेना है, कितना कितना लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपको आम बाल्टी लेना है, एक साइड में रख लीजिएगा, बहेड़ा ले लेना है, सबज हड़ ले लेना है, हरड़ भी कहते हैं, सबज हड़ भी कहते हैं, बीच की दरमियानी हड़ भी कहते हैं इसको, ठीक है, छोटी हड़ से बड़ी होती है, बड़ी हड़ कहते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। हड़ बहुत आती हैं, काबली भी आती है, ठीक है, बहुत हड़ आती हैं, और अभी जो मैंने आपको दिखाई थी वो भी एक तरीके की हड़ी होती है, ठीक है। और ये है सौंठ, सौंठ सूखी हुई अदरक जिसे कहते हैं, ठीक है, सौंठ। ये है मिश्री, धागे वाली मिश्री लेना है आपको, ठीक है दोस्तों, और काली मिर्चें, बस दोस्तों इसमें आपको यही लेना है। अब आप नुस्खा सुनिए, आपको कैसे इसको भूनना है, ठीक है, रेत में डाल के, ठीक है। तो पहले आपको हम चीज़ें बताएंगे कितनी कितनी लेना है। दोस्तों आपने ये वेट स्केल ऑन कर लेना है, और सबसे पहले आप आम बाल्टी लेंगे 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम आम बाल्टी ले लेना है आपको। ये देखिए दोस्तों 20 ही ग्राम हो गई लगभग, आप 20 ही ग्राम पूरी कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपने लेना है, ये अलग को रख देना है एक साइड में। मैं आपको दोस्तों पूरा फॉर्मूला बताऊँगा आज, पूरा खेल बताऊँगा, कम्प्लीट खेल, ठीक है। ये आम बाल्टी हटा दीजिए, ये 20 ग्राम लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों, आपको लेना है हड़, हड़ जो है दोस्तों आपको 5 ग्राम लेना है। और अब आपको लेना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर की गुठली किसी काम की नहीं है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ के भूनते हैं तब भी किसी काम की नहीं बच रही है, तो आपको ये ऐसे ले लेना है। 10 ग्राम आप ले लीजिएगा, सुन लीजिए दोस्तों, आपको यूज़ सिर्फ 5 ग्राम करनी है, वो कैसे मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है, पूरा बताऊंगा, वीडियो को देखिएगा पूरी। ये 5 ग्राम चाहिए हमें, 20 ग्राम हमने आम बाल्टी ले ली है, ये 5 ग्राम लेनी है हमने, लेकिन अभी लिए 10 ग्राम, समझ लीजिएगा दोस्तों आप पूरी तरीके से। 5 ग्राम बहेड़ा लेना है, तो बहेड़े की गुठली बहुत मोटी होती है, छिक्कल बहुत कम होता है, तो आप ये भी क्या कितना ले लीजिए, आप ये 15 ग्राम ले लीजिएगा। यूज़ में हमें लेना है 5 ग्राम, फिर से सुन लीजिएगा, यूज़ में हमें लेना है सिर्फ 5 ग्राम, ठीक है। अभी हमने 15 ग्राम ले लिया ये, क्योंकि गुठली में बहुत वजन होता है इसकी, यहाँ रख लीजिए इसको, ठीक है। आप ले लीजिए दोस्तों सौंठ, सौंठ ज़्यादा नहीं लेना है, ये भी 5 ग्राम लेना है। नुस्खा भी मैं कम्प्लीट आपको बता दूंगा, ये देखिए, ठीक है, ये ले लिया आपने, 6 ग्राम ले लीजिएगा लगभग। दोस्तों देखिए घुना हुई है, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, देखिए घुनी हुई है ये किसी काम की नहीं होगी आपके, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए रख रखी है, ठीक है, ये बहुत जल्दी घुनती है दोस्तों सौंठ। ये आपने लेना है 6, 7, 8 ग्राम ले लीजिएगा, ठीक है, बाद में जब आप फिर से वेट स्केल करेंगे, जब आप इसको भूनेंगे, ठीक है, इसको भी साइड में रख लीजिए, ठीक। अब दोस्तों बचा गया हमारी काली मिर्च और मिश्री। काली मिर्च दोस्तों आपको 10 ग्राम लेना है इसमें,
ठीक से देखिए दोस्तों, बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ दोस्तों, मैं एक एक नुस्खा ऐसे समझाता हूँ कि आपको किसी चीज़ में दिक्कत ना आए। और जब आप ये खेल लगाएंगे दोस्तों, मुझे दिल से दुआएं देंगे इंशाल्लाह। दोस्तों बस मेरा तो एम ये है कि कबूतरबाजी आप लोगों के लिए आसान हो जाए, मेरे नए भाई जो हैं, ठीक है। बस 10 ग्राम है दोस्तों काली मिर्च, इसको आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसको भूनना नहीं है। तभी कहता हूँ दोस्तों पूरी वीडियो वॉच करा करिए, आप ये 10 ग्राम हटा के रख देंगे अलग, ठीक है। और आपकी ये हो गई मिश्री, आपको इसको भी भूनना नहीं है। आप सपोज़ करिए 10 ग्राम ही काली मिर्च है, क्योंकि मुझे तो अभी बनाना नहीं, मेरे कबूतर तो उड़ ही रहे हैं, ठीक है। 10 ग्राम काली मिर्च है, वेट स्केल को रख लिया फिर से ढक्कन को इस पर वेट स्केल पे। अब दोस्तों आपको लेना है 10 ग्राम ही मिश्री, 10 ग्राम मिश्री, ये 9 ग्राम है दोस्तों, 10 ग्राम कर लीजिएगा आप, समझ लीजिए सपोज करिए 10 ग्राम है, ठीक है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, काली मिर्च और मिश्री जो है भुनेगी नहीं, इसको आपको ऐसे ही लेना है यूज़ में। और 10 ग्राम काली मिर्च होगी, 10 ग्राम मिश्री होगी। अब आप नुस्खा सुन लीजिए और लिख लीजिए आराम से। देखिए दोस्तों, 20 ग्राम आंवला हल्दी लेना है आपको भुनी हुई, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो में कैसे आपको लेंगे। 20 ग्राम आंवला हल्दी, 5 ग्राम सोट, 5 ग्राम हड़ विदाउट गुटली, गुटली नहीं लेना है इसकी, बहेड़ा 5 ग्राम, 10 ग्राम मिश्री धागे वाली, 10 ग्राम काली मिर्च, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बढ़िया करके आपको कैसे इसको भूनना है, कैसे आपको लेना है। चलिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये सारा सामान लेंगे और रेत में भूनेंगे इसको दोस्तों, 10 से 15 मिनट तक आप इसको बढ़िया करके स्लो आंच पे भूनेंगे। कहीं कहीं आप फ्लेम तेज़ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मकसद यही जले ना, रेत इतनी होना चाहिए कि बीच में रेत में रहे और आप चम्मच से चलाते रहें उसको, ठीक है। रेता को जैसे मूँगफली भूनते ना, वैसे आप इसको चलाते रहें। आपने चला ली 15 मिनट 10 मिनट बाद ये निकाल ली, निकालने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, बहेड़ा फोड़ेंगे, ठीक है, और फोड़ के इसके छिक्का ले लेंगे। और ठंडा होने के बाद लेना दोस्तों, सुन लीजिएगा, ठंडा होने के बाद लेना, वरना ये अंदर से क्या चिपचिपाएगा, फिर आपका बहेड़ा यूज़ में नहीं आएगा, सही है। हड़ तो ले लेंगे आप, अम्बाली भी ले लेंगे, सोड भी ले लेंगे, ये यूज़ में नहीं आएगा। आपको पहले ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रेत में भूनने के बाद। फिर आपको क्या करना है, 5 ग्राम इसमें से फिर से वेट स्केल ऑन करना है और 5 ग्राम छिक्कल इसका यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए कितनी अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ये आपको हड़ लेना है, हड़ पे चोट मारना है, गुटली फेंक देना है, इसके छिकले लेना है, 5 ग्राम आपको वेट स्केल करना है और 5 ग्राम ये मसाला आप रखते रहें, 5 ग्राम 5 ग्राम, ठीक है। सोंठ आपको 5 ग्राम लेना है, रख देना है इसको, तो डायरेक्टली आप कूट लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली कूट जाती है। और आपको आंवला हल्दी कूट लेना है बढ़िया करके भुनी हुई, इसको कितनी लेना है, 20 ग्राम। अब आपको ये सारा मसाला लेना है और बढ़िया करके इसका पाउडर बनाना है। आप मिक्सी में चाहे मिक्सी में बना लीजिए, बारीक पाउडर बनना चाहिए। मकसद ये है, जैसे मैं आपको चुटकी बना के बताता हूँ सेम वही चुटकी चाहिए, ठीक है। बाद में आप क्या करेंगे दोस्तों, सुन लीजिए आप इस सारे मसाले को कपड़ छन करेंगे या छन्नी बारीक वाली जो मैं आपको दिखाता हूँ उससे आप छान लेंगे। और अगर आप मेहनत इसमें लगाएंगे इसको चुटकी बनाने में, तो आप जैसे मैं बनाता हूँ बारीक, तो आप इसको ना छाने, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको बहुत अच्छी तरीके समझा रहा हूँ। अब आपको ये मिश्री लेना है, ये दोस्तों भूनना नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ऐसी बहुत आसानी से दोस्तों इसकी चुटकी बन जाती है, मतलब ये जो है बढ़िया करके पीस जाती है, ठीक है। आपको इसको पीस लेना है, 10 ग्राम काली मिर्च जो थी आपको उसको पीस लेना है बढ़िया करके। आप इस पाउडर को पहले मिक्स कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके चुटकी, रेशम चुटकी बना लें। और ये जो पाउडर था आप ये बना के दोस्तों सारा मिक्स कर लें, सारा पाउडर सारा एयर टाइट डिब्बे में आप बना के रख लीजिए। अब आपको दोस्तों लेना कितनी है चुटकी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपके अगर 50 कबूतर हैं दोस्तों, आपने ये ऑन करना है, आपने सोच लीजिए, ये सपोज करिए दोस्तों, आप तसव्वुर कर लीजिए ये कि आपका ये पाउडर बन के तैयार हो गया है, पाउडर रखा हुआ है, जैसे मैं चुटकियों का पाउडर रखता हूँ वैसे। अब आपने क्या करना है, ये वेट स्केल पे रखना है, ठीक है, रुक जाइए आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑन करा मैंने फिर से ये, ठीक है, ऐसे रखना है। और आप क्या करना है, आपको पाउडर किसी चीज़ से निकालना है, चम्मच से निकाल लीजिएगा, और आपको पाउडर ऐसे करके तोल लेना है। तो दोस्तों जैसे कि ये 5 ग्राम है, इधर बहुत है, मैं आपको छोटा टुकड़ा रख के दिखा रहा हूँ, ये पाउडर है समझ लीजिए दोस्तों,
तो आपको लेना है शुरू में 2 ग्राम, 2 ग्राम 50 कबूतरों के लिए। दोस्तों अब आप चिकनाओं की टिकिया कितनी थे मुझे नहीं पता, मैंने आपको बता दिया था जब कबूतर को हल्का करते हैं, जब झाड़ पे से उठाते हैं, उठान का चिकनाव देते हैं, तो आप 50 कबूतरों को 3 डब्बे दाना दीजिए, ठीक है, और 100 ग्राम की आप 120 ग्राम की रोटी दे दीजिए, बस दोस्तों इनफ है ये। आपका कबूतर देखिए आप दिल से दुआएं देंगे कि ये चीज़ मैंने आज आपको बताई है। 2 ग्राम आपको लेना है, फिर सुन लीजिए, मसाला जो आपने बनाया है 2 ग्राम, ठीक। अब आपको कब लेना है, आज आपने 2 ग्राम डाला, कल आप डालेंगे 2.5 ग्राम चिकनाओं में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए ये सब चीज़ मत पूछिएगा, बार बार मत पूछा करिए कि उस्ताद जी हमें मक्खन लेना है सादा या घी लेना है क्या लेना है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है गुलाबी मौसम हो तो दोनों चीज़ें आप यूज़ कर लीजिए, गर्मी ज़्यादा हो तो सफ़ेद मक्खन यूज़ कर लीजिए, और जाड़ा हो आपके साथ सर्दी हो रही हो तो आप क्या करिए मक्खन वो सॉरी क्या कहते हैं घी, देसी घी यूज़ कर लीजिए, और गाय का घी हो काऊ का तो बहुत बेस्ट है, ठीक है दोस्तों, तो लीजिएगा आप। और फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ 2.5 ग्राम आपको लेना है दूसरे दिन। अब आपको 2 दिन गैप कर देना है दोस्तों, जिस दिन आप गैप करेंगे दोस्तों तीसरे दिन, उस दिन आपको सिर्फ 50 घिस्से आंबा हल्दी जो आपके घर में रखी हुई है, आंबा हल्दी ठीक है, उसके लेना है हल्के हाथ से, वो पानी दे देना है, ठीक है। 2 दिन चिकना हो गया, 2 दिन पानी हो गया, ठीक। फिर से आप चिकनाव रिपीट कर देंगे, और दोस्तों इस बार आप डालेंगे 3 ग्राम चुटकी, कौन सी चुटकी, यही मसाले की, बहुत अच्छी तरीके समझा रहा हूँ दोस्तों। आप फिर से चिकनाव डालेंगे, आप भाई 2 दिन चिकनाव डाल दिया था, पहले दिन 2 ग्राम डाला था मसाला, दूसरे दिन 2.5 ग्राम डाला था, तीसरे दिन पानी डाला था आम बाल्दी का 50 घिस्से जिसमें 50 कबूतरों को मारना है, चौथे दिन भी आपको पानी लगाना है, पाँचवें दिन आपको लगाना है 3 ग्राम चुटकी, छठे दिन लगाना है आपको चिकनाव में 3 ग्राम चुटकी। पूरा कंप्लीट खेल बता दिया दोस्तों आपने, आपको ये तब तक करना है जब तक आपका कबूतर बेहतरीन 2 बल्ले के ना उड़ने लगे, वो भी आपको बता दूँ, जब आप ताबा देंगे ना उसको तो उसमें उमंग जाग जाएगी दोस्तों कबूतर में, वो क्या लेगा, पलटा लेगा, सीधे हाथ और उल्टे हाथ दोनों का, या उल्टे हाथ या सीधे हाथ का, आप समझ लीजिए सीने कुंदे साफ हो गए। अब चलिए दोस्तों, मैं एक भाई की बात भूल गया था कि उन्होंने कहा था सीना कुंदा दिखा दिए पकड़ के, चलिए दोस्तों मैं भूल गया था, माजरत चाहता हूँ, अब मैं दिखा रहा हूँ सीना कुंदा पकड़ के कबूतर का, ठीक है दोस्तों। तो ये खेल कंप्लीट हो गया है, पाउडर आप रख लेंगे, और फिर सुन लीजिए दोस्तों जो मेनली बात है इसमें, जब आपका कबूतर सीना कुंदा हल्का हो जाए तब आप मेरी वीडियो में कोई सी भी चले आए, जानदारी का जो चिकनाव मैंने बताया आप उसको चिकनाव दे के आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको कबूतर पकड़ के दिखाता हूँ सीना कुंदा कैसे चेक करेंगे। फ्रेंड्स तो देखिए ये कबूतर है जो भारी है, जो मेरे ही कबूतर है दोस्तों ये, ठीक है। और सबसे पहले आप सीने कुंदे इसके चेक करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये मोटा है और ये उड़ता नहीं है दोस्तों क्योंकि ये बैठ के खा रहा है अभी। तो मैं आपको दोनों ही कबूतर दिखाऊंगा, एक सीने कुंदा साफ वाला और आप सीने कुंदा चेक कैसे करें, भारी है उसके तो आपको साफ ही कैसे लगाना है। तो आप देखिए ये चेक करेंगे, ठीक है, इसका ये कुंदा होता है दोस्तों, ये सीना होता है, ठीक है। और आप इसको खोलेंगे, देखिए एक तो ये कर्रा खोलेगा टाइट, देखिए देखिए ये तो सियान से खींच रहा है। और आप यहाँ चेक करेंगे दोस्तों ये चीज़ देखिए, तो दोस्तों इस पर चर्बी दिखेगी आपको बहुत सी, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा कुंदा भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों ये देख रहे हैं, ये चीज़ जो है ये आप खोलेंगे ना ऐसे करके तो ये तो खुल जाएगा जल्दी, ये चीज़ नहीं खुलेगी जल्दी, तो ये टाइट है देखिए, ये कुंदा मोटा है, मतलब यहाँ पे जो मांस होता है ना बहुत मोटा होता है, ये इससे चिपका होता है सीने से, ठीक है। और इसको आप छोड़ेंगे तो ये भदभद करके गिरेगा, भदभदाएगा पर ऐसे मारेगा भदभदापन, ठीक है। उड़ने में भी बता दूंगा दोस्तों, अभी आप उड़ के कबूतर बैठता है तो क्या करता है वो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये चीज़ जो है इसकी भारी होगी, और जब आप ये खोलेंगे ना तो यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे करके तो ये टाइट खुलेगी, देखिए ये चीज़ टाइट खुलेगी। तो ये सीना कुंदा इसका साफ नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा कबूतर क्या होता है अगर सैदी ने लगा लिया तो 2-3 भल में वो गिर जाएगा उसके यहाँ, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने सीना कुंदा साफ नहीं करा, उड़ा दिया कबूतर को। ये देखिए मेन चीज़ गोल होगा कबूतर, बड़ा भारी होगा भरकम, ठीक है, कबूतर लगेगा ही नहीं वो। चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये कबूतर देखिए मेरा उड़ता हुआ कबूतर है, ठीक है। पहले तो इसका साइज़ चेक करिए, देखिए सुता हुआ होगा इसका जिस्म, देखिए एकदम बिल्कुल सुता हुआ, देखिए कितना बढ़िया, देखिए ऐसे करके मैं आपको दिखाऊँ बिल्कुल सुता हुआ, हाथ में लेंगे आप तो समझ जाएंगे उड़ता हुआ। अब चलिए मैं आपको कुंदे दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, तुरंत समझ जाएंगे आप। देखिए ये देखिए कुंदा इसका, देख रहे हैं आप, ये देखिए सियान से जो खींच रहा है, देखिए फ्रेंड समझ गए आप, कितनी प्यारी तरीके समझाया आपको, देखिए
कितना शानदार कुंदा है, हल्का कुंदा है बिल्कुल फूल। तो ये चीज़ दोस्तों कोई नहीं बताएगा आपको पूरे YouTube पे, सही है। ये देखिए आप फिर से देख लीजिए कितना आराम से खुल रहा है। ये देखिए उसका कबूतर को पकड़ना पड़ रहा था ऐसे करके ना, ये जोर दिखाना पड़ रहा था। देखिए ये दोस्तों कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़, देख रहे हैं आप। ये देखिए कितने यहाँ पे बिल्कुल मांस भी कम होगा, बिल्कुल एक्सरसाइज करा हुआ, फिटनेस में जैसे इंसान रहता है वैसे, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों कोई जू तो नहीं है, कोई जू नहीं दिख सकती दोस्तों आपको एक भी कहीं पे भी चलता हुआ मेरे कबूतर के। तो दोस्तों देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतने प्यारी तरीके से मैंने आपको आज की वीडियो में समझाया है। जू देख लीजिए आप, कोई नहीं होगी। और कुंदा देखिए आप दोस्तों कितना शानदार, यहाँ पे बिल्कुल इसके चर्बी नहीं होगी, जो मांस होना चाहिए है गोश्त इसका ओरिजिनल अल्लाह की तरफ से वही है। चर्बी वाला कबूतर दोस्तों ना कभी उड़ता है, ठीक है, और ना भी कभी काम कर जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो दिल से लाइक कर दीजिएगा अपने भाई को, और दुआओं में याद रखिए दोस्तों मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ दुआएं देते रहिए आप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।